हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग? तो देखिए, जीडीपी सर्जेस 7.6% इन क्वार्टर टू गोज पास्ट आरबीआई फोरकास्ट। तो आरबीआई ने जो फोरकास्ट किया था उसको उसके आगे चला गया अपना जीडीपी। डिस्पाइट अ टेंजिबल ग्रोथ डाउनटर्न इन दी फार्म एंड सर्विस सेक्टर एज वेल एज कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रीव एट अ हायर देन एक्सपेक्टेड 7.6% इन द जुलाई सेप्टेम्बर 2023 क्वार्टर। तो ये आपका जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर टू हो गया। एज पर द इनिशियल एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो एनएसओ है ये, यही आपका जीडीपी कैलकुलेट करता है। द सेकेंड क्वार्टर Q2 ग्रोथ वॉज स्लाइटली लोअर देन द 7.8% राइज इन द प्रीवियस क्वार्टर, बट वेल ओवर द सेंट्रल बैंक प्रोजेक्टेड अपटेक ऑफ 6.5% ग्रोथ इन द ग्रोस वैल्यू एडेड GVA इन द इकॉनमी इज स्लाइट टू 7.4% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023-24 from 7.6% in quarter 1, but the GVA growth in the farm sector skid sharply to just 1.2% from 3.5% in quarter 1, while it more than halved the service sector such as trade, hotels, transport from 9.2% in quarter 1 to 4.3% in quarter 2. तो आप देखिए, यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि आपका सर्विस सेक्टर आपका नीचे चला गया। सर्विस सेक्टर, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये आपका नीचे चला गया हाफ से ज़्यादा, और आपका जो फार्म सेक्टर है वो भी 3.5 से 1.2 पर आ गया। तो ज़्यादा जो हमने 6.5 का ग्रोथ आरबीआई ने सोचा था, इतना कम नहीं हुआ है, कम हुआ है पर 0.2%, 7.6 से 7.4 हुआ है। कंस्ट्रक्शन पुश इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24 हैज दस प्रोविजनली रिकॉर्डेड द 7.7% ग्रोथ इन द जीडीपी विद द जीवीए राइजिंग 7.6% led by the 10.5% growth in the construction and 9.3% uptick in the manufacturing. While growth is expected to moderate in the second half of the year, economist expects the strong first half number to lift the full year performance by 0.1% to 0.2% over current projections. The RBI and the government expect GDP to grow 6.5% this year, considering the RBI expects quarter 3 and quarter 4 GDP growth at 6% and 5.7% respectively. The annual growth is estimated at 6.7%, said EY India Chief Policy Advisor DK Srivastav. तो आप देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक बार आगे का देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव एट्रीब्यूटेड द बॉयंट फर्स्ट हाफ ग्रोथ लार्जली टू गवर्नमेंट स्पेंस डोमिनेटेड बाय फ्रंट लोडेड कैपेक्स। मैनुफैक्चरिंग GVA which had shrunk almost 4% in quarter 2 of last year when the overall GVA grew 5.4% recorded the fastest uptick in the 9 quarter to rise 13.9% between July and September. Mining GVA also jumped 10% thanks to favorable base effect from the contraction last year. तो यहाँ पे देखिए कुछ words से base effect. Construction GVA jumped इतना this quarter while electricity, gas supply, water and other utility service added 10.1% over last year performance to the lift the overall growth numbers as the private financial consumption expenditure PFCE tank sequentially as well as year on year basis. The share of PFCE which indicate consumer spending in the GDP was 56.8% in quarter 2. The NSO estimates vis-a-vis 59.3% in the same quarter of the 2022-23 and 57.3% in quarter 1 of this year. PFCE growth half to 3.1% from 6% in quarter 1, partly reflecting the weakness in rural demand. ICRA chief economist Aditya Narayan noted, government capex lifted itna highest any second quarter. ठीक है, अब देखिए इसमें exam point of view से important क्या हो जाता है। देखिए सबसे पहले GDP, GVA, GDP निकालने के थ्री वेज, ठीक है। इज GDP सफिशियंट, ये क्वेश्चन आंसर करना है आप लोगों को। मैंने पहले कई वीडियोस में ये समझाया है पूरा, और आप देखिए उसके बाद से सेकंड बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट, ठीक है। थर्ड आप देखिए ये आपका क्या रहा, किधर गया आपका, यही तो था, PFCE
प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो है पी एफ सी ई, प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या बता रहा है? एक तरीके से आपको ये पब्लिक स्पेंडिंग बता रहा है। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब हम लोग कितना स्पेंड करते हैं डेटा, मतलब पैसा। वो अगर हम लोग स्पेंड करेंगे जीडीपी ग्रोथ होगा, बिल्कुल होगा। हम नहीं करेंगे तो जीडीपी श्रिंक होगी, श्रिंक होगी। तो ये पीएफसी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ आप देखिए, फोर्थ एनएसओ, यही ईयरली और मंथली और क्वार्टरली आपकी जीडीपी का डेटा डेटा निकालता है। थ्री वेज है, उनमें से एक हो गया इनकम, एक हो गया एक्सपेंडिचर, थर्ड बताइए क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये मैंने बस हिंट दिया है। ठीक है, थर्ड आप लोगों को सर्च करना है, बताना है। और जो इकोनॉमी पढ़ा होगा उसको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ये चीज़ नहीं है तो प्लीज रिवीजन करिए। बेस इफेक्ट से डेटा एग्जेजरेटेड दिखते हैं। ये एक सिंपल सी चीज, कोई भी डेटा इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा वो दिख जाता है। ये होता है बेस इफेक्ट। ठीक है, पीएफसी ये पब्लिक स्पेंडिंग होगी। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, आप देखिए यहाँ पे बस बात ये हुई है कि हमने ये सारे डेटा याद नहीं रखने हैं, पर हमें समझना है कि जो हमारे आरबीआई ने बोला था कि अपना जीडीपी इतना नहीं बढ़ेगा, पर 7.6% ग्रोथ हो गई क्वार्टर टू में। ठीक है, 7.4%, 7.8% हुआ था क्वार्टर वन में, 7.6% हो गया इसमें। तो ये चीज़ था, हमें लगा नहीं था इतना होगा। कंस्ट्रक्शन अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में डिमांड है। अब देखिए एग्रीकल्चर में, मतलब फार्म में आपका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर वन से क्वार्टर टू पे, और उसके बाद से आपके सर्विस सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है मोर देन हाफ। तो ये फार्म वाला हो गया और ये सर्विस हो गया। तो इन दोनों में डिक्लाइन के बावजूद अपना जीडीपी अभी बढ़ा है इस क्वार्टर में, जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हुआ है। और तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बताने लायक नहीं है, पर ये सारे टर्म्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।